भाई सौरभ जोशी किस खेत की मूली है यार, ये गजब का फर्जी आदमी है हैं। इसको हर बंदे से परेशानी है, इसको मान लो सिलेक्टेड आदमी होते हैं कोई, जिनकी अगर आपको आइडियोलॉजी नहीं पसंद है, आप उनको नहीं पसंद करते हो, आप उनके साथ सोशल नहीं होना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं, अपने ब्लॉक कर दिया, बात ख़त्म कर दी, लेकिन भैया इसके हर लौंडे के साथ परेशानी है, चाहे जितने न्यूज़ कवर करने वाले हों, मनोज दे हों, चाहे कोई हो, यहाँ तक कि इसका सोनू, इसका जो पड़ोसी था भाई, इसकी इतनी हेल्प करता था, वही ना आदमी जब ऊपर चढ़ता है ना तो नीचे वालों को लात मार देता है, तो भैया तुम भी बच के रहो, समझे ना, जितना मेरे वीडियोस पर लाइक और कमेंट करते हो ना, हिसाब से करना, क्योंकि उसका हिसाब मेरे पास नहीं है, आगे जाके मैं तुमको भी लिख जाऊँगा, तुमको इन द सेंस मतलब जितने सब मुझे देख रहे हो, क्योंकि किसी का कोई होने होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने सारे सब है ना, सब टाइम पास करने वाले हो तुम लोग, मुझे सब पता है, बारिश होने लग गई, भागो घर। भैया लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, वो ये है कि जैसे कि मतलब जिस हिसाब से उस बंदे ने मेहनत की है वो मेहनत काबिल तारीफ, लेकिन अब भाई वही है ना, अब आप मेहनत कर लो फिर उसके बाद लगो गू चाटने तो पूरा माजरा पलट जाता है। भैया ये भी मेरा भी व्लॉग चैनल है छोटा सा, देखो भाई आदमी को मेहनत करते जाना है, अपने आने वाले रास्ते में जो उनको मदद कर रहा है उनको थैंक्स बोलना है, लेकिन यहाँ सौरभ भैया का उल्टा ही खेल चलता है, वो क्या करते हैं जो आता है उसको किनारे लगा देते हैं, दक्षिण लगा देते हैं, और जो चिरकुटाई करने की कोशिश करता है उसको सीधे ब्लॉक कर देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही फॉल्ट है, और आने वाले टाइम में भाई साहब अभी बच्चों का क्रेज़ है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो देख रहे हैं, अब आने वाले टाइम पे अगर उनकी जो मानसिकता अगर बदली भाई साहब तो ये इतना गंदा पीटेंगे जिसकी कोई हद नहीं। आपको पता है मैंने तो ब्लॉक करके रखा हुआ है, कसम बता रहा हूँ मैं, और ये कोई फैक्ट की चीज़ है, आपको बता दूँ ये कोई नहीं देखता है उसको, कोई इन द सेंस मतलब जो एक सिंसियर पर्सन है ना वो नहीं देखेगा भाई, टाइम पास करने के लिए कौन देख रहा है ब्लॉग है? दिन भर मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी गाड़ी के चाबी ये वाली लेके आओ आज उस वाली गाड़ी से, लेकिन भाई साहब मुझे तो लगता है उसके ब्लॉग में केवल 3 कॉन्टेंट ही दिखते हैं, पहला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, दूसरा कौन सी गाड़ी से चले, और तीसरा है पीयूष, बस उसके अलावा भाई उसके 3 के अलावा उसकी मौत कोई कॉन्टेंट ही नहीं बचा है। खैर ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी में क्यों फालतू पड़े आदमी, लेकिन इस टाइम पे माहौल गर्म है, सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ डाल के धो लें, लेकिन मुझे मालूम है जैसे तुम लोग काम करते हो वो इस वाले वीडियो में भी व्यूज़ नहीं आने वाले। खैर कोई नहीं, अपना तो काम है अपलोड करना और ये भी अपलोड हो जाएगा। खैर ये एक छोटा सा ब्लॉग सीरीज़ का चैनल है जिसमें आपको मेरे लाइफ से इंटरेस्टिंग पार्ट्स जो होते हैं बस वही दिखते हैं, मेरे घर की चीज़ें नहीं दिखती, जहाँ मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ या जो चीज़ें हो रही वो यही दिखेंगी, उसके अलावा मैं घर की क्या खाया क्या पिया क्या नहाया क्या निपटा ना वो सब नहीं दिखाता। और रही चीज़ फॉलो और लाइक करने की, तो भैया आपकी आपकी इच्छा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना और अगर और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बाकी लाइक और कमेंट तो आपका धर्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।